विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की पंक्तियाँ, कैसे कटती है उनकी रातें जो सपने नहीं देखते। सपने आकाश की तरह अनंत हैं, सपने क्षितिज की तरह मुलायम हैं। कहते हैं वे कि अपने सपने बेच दो, क्या खरीदूंगा मैं अपने सपने बेचकर। नमस्कार, मैं गोविंद मीणा, केंद्रीय विद्यालय गुना। कक्षा 10 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चन आंसर की सीरीज में हिस्ट्री के हम पहले चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म को स्टडी कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम दो टॉपिक को लर्न करेंगे। पहला वाला हमारा होगा उदारवादी राष्ट्रवाद के मायने, और दूसरा वाला हमारा होगा न्यू कंजर्वेटिविज्म आफ्टर 1815, यानी 1815 के बाद जो नया रूढ़िवाद था वो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पहला टॉपिक है हमारा उदारवादी राष्ट्रवाद के मायने, तो उससे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना हमारी परीक्षा में रहेगी, तो वो देख लीजिए। कि सबसे पहले तो लिबरल नेशनलिज्म का मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है, और इसके 4 आइडियाज़ को एक्सप्लेन करने के बारे में भी कहा गया है। तो इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये कहता है कि 5 वैल्यूज़ बतानी है हमें लिबरलिज्म की, यानी उदारवाद की जो 5 मूल्य हैं वो बताने हैं। तो हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम जो लिबरलिज्म है, लिबरलिज्म को हम हिंदी में उदारवाद कहते हैं। ये लेटिन भाषा के लिबर से निकल के आया है। लिबर का मतलब होता है फ्री, या हिंदी में हम कहें तो मुक्त अथवा स्वतंत्र। तो उदारवाद का मतलब मुक्त अथवा स्वतंत्र होता है। तो उदारवादी जो विचारधारा थी यूरोप के अंदर, तो उस विचारधारा के जो महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु है वो कुछ इस प्रकार है। तो सबसे पहला जो बिंदु है वो ये बात करता है कि प्रत्येक इंडिविजुअल को फ्रीडम होगा और उसको इक्वालिटी होगी, यानी उसको स्वतंत्रता और कानून के समक्ष उसको क्या होगी, समानता। दूसरे बिंदु की अगर बात करें तो ये एक उदारवादी लोग ऐसी गवर्नमेंट चाहती थे जो पीपल की कंसेंट से बने, यानी लोगों की सहमति से बनी हुई सरकार की बात उदारवादी लोग करते थे। इसके अलावा उदारवादी जो राष्ट्रवाद था उसमें थर्ड पॉइंट जो है वो बात करते थे कि अ कॉन्स्टिट्यूशन हो प्लस रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो जिसको पार्लियामेंट के थ्रू चलाया जाए, यानी एक संविधान हो और उस प्रतिनिधि सरकार बने जो कि किसके माध्यम से चले, संसद के माध्यम से चलने वाली सरकार का निर्माण हो। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है उसके बाद जो है फोर्थ पॉइंट, वो सफरेज की बात करता है। सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट। सफरेज का मतलब क्या होता है, राइट टू वोट। तो जो उदारवादी लोग थे वो मताधिकार की बात करते थे और मतदान के अधिकारों की बात करते थे। इसके अलावा जो उदारवादी राष्ट्रवाद था उसका एक अगला जो पॉइंट है वो बात करता है इकोनॉमिक फ्रीडम की, यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता की। यानी पुराने जितने भी जो स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको समाप्त किया जाए, यानी जो प्रतिबंध है वो समाप्त हो, ताकि नए नए जो बिजनेसमैन हैं, जो नए नए लोग हैं वो भी व्यापार कर सके। तो इस प्रकार से हमने जो उदारवादी जो लिबरलिज्म है या राष्ट्रवाद है उसको हमने स्टडी किया। इसके बाद जो है हमारा अगला टॉपिक है अ न्यू कंजर्वेटिविज्म आफ्टर 1815, 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। तो इसमें जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने की संभावना है कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे पहले इसमें ये पूछा जा रहा है कि बिलीफ्स ऑफ द कंजर्वेटिविज्म, यानी जो रूढ़िवादी विचारधारा है उनकी मान्यताएं क्या थी और ये 1815 के बाद ही क्यों इमर्ज हुई। साथ ही साथ में इसका एक और क्वेश्चन जो है वो ये पूछा जा रहा है कि ट्रीटी ऑफ वियना, देखो एक्चुअली क्या है कि ट्रीटी ऑफ वियना के बाद ही न्यू कंजर्वेटिविज्म जो है उसकी शुरुआत होती है। तो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रीटी ऑफ वियना को, वियना की संधि को। तो जब 1815 में नेपोलियन को वाटरलू के बैटल में जब ये ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया मिलकर हरा देते हैं, तो 1815 में ऑस्ट्रिया की कैपिटल जो वियना है, वियना के अंदर एक सम्मेलन होता है, इस सम्मेलन को ही वियना ट्रीटी कहा गया। तो इस ट्रीटी को ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वियना, वहाँ उसको आयोजित किया गया था, और इसकी मेज़बानी करने वाले जो थे वो ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक थे। तो इस संधि के बाद कई सारे जो नए जो बदलाव आए वो कुछ इस प्रकार से थे।
तो इसमें पहला बदलाव ये था कि जो नेपोलियन के द्वारा जितने भी परिवर्तन किए गए थे, यानी 1804 से लेके 1815 तक जो नेपोलियन सम्राट रहा फ्रांस का, तो उसके दौरान जो जो बदलाव हुए उन सारे बदलावों को क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। और जो पुरानी सोसाइटी थी, पुराने जो इंस्टीट्यूशन थे, उन इंस्टीट्यूशन को दोबारा रीस्टैब्लिश किया गया। दूसरा बिंदु अगर इसकी बात की जाए तो जो दूसरा बिंदु है वो कहता है रिस्टोर द मोनार्की, यानी राजतंत्रों को दोबारा बहाल किया गया जिनको नेपोलियन ने हटा दिया था। तो जैसे फ्रांस में जो बुर्बोन डायनेस्टी थी उसको दोबारा स्थापित किया गया। तीसरा बिंदु एक्चुअली क्या था कि जो फ्रांस था ना उसको ज़्यादा पावरफुल होने से रोकने के लिए उसके चारों तरफ सीरीज ऑफ स्टेट्स क्रिएट किए गए, यानी राज्यों की कई सारी श्रृंखलाएँ बनाई गई ताकि फ्रांस दोबारा से शक्तिशाली ना हो सके। फोर्थ पॉइंट, कंजर्वेटिव जो रिजिम थी 1815 के बाद, यानी जो रूढ़ीवादी शासन था, निरंकुश था एक प्रकार से देखा जाए तो, ये किसी भी प्रकार की आलोचना यानी क्रिटिसिज्म और असंतोष को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो इसने जितनी भी आलोचनाएं थी, असंतोष थे, उनको बैन कर दिया। इसके बाद इसने यूरोप के ज़्यादातर हिस्सों में सेंसरशिप को इम्पोज्ड कर दिया, यानी जो भी व्यक्ति कंजर्वेटिविज्म के खिलाफ कुछ भी न्यूज़पेपर में, बुक्स में या नाटक या संगीत के माध्यम से अगर उसको प्रचारित करता है तो उस स्थिति में उसके ऊपर सेंसरशिप लगाई गई। तो और एक और चीज़ ये थी इस न्यू कंजर्वेटिव रिजिम के दौरान या वेना ट्रेटे के बाद की, जो जर्मन कॉन्फेडरेशन नेपोलियन बोनापार्ट ने बनाया था, जर्मन परिसंघ, इसको विखंडित नहीं किया गया, यानी इसको समाप्त नहीं किया गया। तो इस प्रकार से ये जो हमारा न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 यानी 1815 के बाद का एक जो नया रूढ़िवाद था उसके समस्त बिंदुओं को हमने डिस्कस कर लिया। तो इस वीडियो में हमने पहले तो जो है वो उदारवादी राष्ट्रवाद के मायनों को स्टडी किया, और उसके बाद जो है हमने जो न्यू कंजर्वेटिविज्म आफ्टर 1815 है उसको स्टडी किया। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।